में पढ़ा भी अच्छा जाता है। पापा की वजह से मैथ्स में इंटरेस्ट भी रहा है। मेरे एक दो बच्चे हैं, उन्होंने स्टेट से किया, बहुत अच्छे नंबर लाए हैं आज, मतलब 2-4 साल पहले के बाद में। देखिए बच्चों, बिल्कुल शुरुआत की आज क्लास है, ये आपका सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर से हमने शुरू किया है थर्मोडायनेमिक्स। पेपर का नाम पहले देख लीजिए, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको थ्योरी पूरी पॉइंट्स में पढ़नी है, ठीक है, ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, पर फिर भी बेसिक चीज़ें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पेपर है, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें अगर कोई बच्चा बुक लेना चाहे तो हमारी बुक आती है, ये ले सकते हो आप, ठीक है, ये बुक आप परचेज कर सकते हो। और एक अनसॉल्व्ड मित्रा का आप ले लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, जो पढ़ रहे हो क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है। आपने पढ़ी थर्ड यूनिट, उसमें क्वेश्चन पढ़ डाले इसी यूनिट के, तो मित्रा का अनसॉल्व्ड पेपर ले लीजिए। अनसॉल्व्ड पेपर फेयर कॉपी बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाइए, ठीक है। ये नहीं कि आपका रजिस्टर, बहुत अच्छा साफ सुथरा बढ़िया रजिस्टर बनाइएगा, ठीक है। इसमें हमने लेसन फर्स्ट आज शुरू कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लेसन है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये यूनिट थर्ड है, हर पेपर में बीएससी के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब चाहे जो सब सिलेबस, हर एक में 4-4 यूनिट में डिवीज़न है, हमेशा 4 यूनिट का डिवीज़न है। फर्स्ट पे फिजिक्स के पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 यूनिट, आपके केमिस्ट्री में भी आप कहीं भी पढ़ेंगे, मैथ में भी 4 यूनिट, तो ये डिवीज़न 4 यूनिट में है, तो ये यूनिट थर्ड है, पर ये अलग है, इसमें हर यूनिट अलग अलग है। यूनिट थर्ड थोड़ी इंटरेस्टिंग रहती है, तो यही सबसे बड़ा सिलेबस का मेन पार्ट यही है। अगर ये कंप्लीट हो गया तो समझिए 50% सिलेबस कंप्लीट। तो सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स आती है, ठीक है। पेपर में देखिए, पहले शुरुआत हम कर रहे हैं टम्परेचर से, टम्परेचर बिल्कुल शुरुआत से बता रहे हैं, टम्परेचर से। टम्परेचर क्या है? टम्परेचर वो स्केल है जिससे बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को नापते हैं। टम्परेचर इज द स्केल बाई विच वी कैन मीजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। यही तो है, टम्परेचर इज द स्केल, फर्स्ट पॉइंट। टम्परेचर इज द स्केल बाई विच वी कैन मीजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टम्परेचर वो स्केल है जिससे बॉडी के हॉटनेस को और कोल्डनेस, अगर कोई बॉडी हॉट है, ठीक है, तो वो हॉट है, लार्ज अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसको मीजर किससे करोगे? टम्परेचर से। अगर कोई बॉडी कोल्ड है, उसने लार्ज अमाउंट में हीट लॉस कर दिया, तो इसे किससे मीजर करोगे? टम्परेचर से। तो टम्परेचर हीट नहीं है, टम्परेचर एक स्केल है बाई विच वी कैन मीजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि टम्परेचर से हॉटनेस और कोल्डनेस को हम मीजर करते हैं, कि आपकी बॉडी है उसने लार्ज अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो उससे मीजरमेंट करोगे टम्परेचर से। तो हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी कब होती है? जब वो लार्ज अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। कोल्ड बॉडी कब होती है? जब वो लार्ज अमाउंट में हीट रिजेक्ट कर लेती है।
कोल्ड बॉडी, जब वो लार्ज अमाउंट में हीट रिजेक्ट कर देती है तो कोल्ड बॉडी, लार्ज अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर ली तो हॉट बॉडी, और लार्ज अमाउंट में हीट रिजेक्ट कर दिया तो कोल्ड बॉडी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तुम लोग तो लास्ट टाइम भी पढ़ चुके थे। देखो दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर मीजर द इंटेंसिटी ऑफ हीट, हीट की इंटेंसिटी को टेम्परेचर नापता है। टेम्परेचर मीजर द इंटेंसिटी ऑफ हीट, टेम्परेचर मीजर द इंटेंसिटी ऑफ हीट, इंटेंसिटी ऑफ हीट। ऑब्जेक्टिव पेपर होने पर एक थोड़ा सा अंतर है कि आपको बहुत ब्रॉड पढ़ना है, पूरी ए टू जेड स्टडी कर लेनी है ना। जो बच्चे ना पढ़ने वाले हैं उनको तो ऑब्जेक्टिव बहुत सरल लगता है, गए और 15 मिनट में निशान लगा, टिक टिक कर करते चले आए, उन्हें पता ही नहीं है गलत लगाए कि सही लगाए। और पढ़ने वाले के लिए 100 ऑब्जेक्टिव बहुत टिपिकल है, क्योंकि टाइम भी कम है, 2 ही घंटे है। सब जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं वो 3 आवर्स के, ऑब्जेक्टिव पेपर 2 आवर्स के, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आएगा, न्यूमेरिकल कोई आसान रहता है, न्यूमेरिकल हम इतने करवा देंगे कि आपके उससे हो जाएंगे, आपको उसकी चिंता नहीं है। हम कंप्लीट सोल्यूशन आपको देंगे कि आपको हमने जो पढ़ाया तो पूरा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो पेपर जो बनाएगा वही कह सकता है, पर यह है कि आपके कितना भी कम आएगा, बहुत भी हट जाए तो भी 60-70 क्वेश्चन पढ़ाए हुए से मिल जाते हैं। और इसके लिए फिजिक्स तो बहुत उसमें टिपिकल नहीं है, क्योंकि आपको डीप वे में स्टडी कर लिया तो नॉलेज भी बढ़ी। जैसे आप बच्चों हो, तुम लोगों के लिए ये पर्पज़ ये भी है, जैसे जो बच्चा एयरफोर्स नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक ऑब्जेक्टिव में पूरे BSc पार्ट 1 के थर्मोडायनेमिक्स से 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमेशा एयरफोर्स में आते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे एयरफोर्स में, उनको फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतनी पढ़ लेते हैं। और यहाँ तक कि जो बच्चे अपनी PCS ECS में भी फिजिक्स लेना चाहते हैं तो BSc पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में इतनी फिजिक्स पढ़ लिया जाता है कि PCS लेवल पर भी आपको कोई फिजिक्स कोई और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना ब्रॉड पढ़ना। ये तार हटा देना उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, इतनी डीप वी में इतना पढ़ना है। टेम्परेचर मीजर द इंटेंसिटी ऑफ हीट, टेम्परेचर क्या मीजर करता है? इंटेंसिटी को, हीट की इंटेंसिटी को मीजर करता है। धन अभी इसको ले जाएंगे बच्चे को। टेम्परेचर मीजर द इंटेंसिटी ऑफ हीट, हीट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट की इंटेंसिटी क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, हीट जो का जो फ्लो है एकांक क्षेत्रफल पर, हिंदी मीडियम वाले एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में जो हीट का फ्लो होगा बॉडी, उसको टेम्परेचर मीटना पे। तो इतनी तो 2 पॉइंट्स हो गए कि ऑब्जेक्टिव में इंटेंसिटी, हीट की इंटेंसिटी को टेम्परेचर से नापते, दूसरा हो गया टेम्परेचर मीजर करता है हॉटनेस और कोल्डनेस। अब तीसरी बात, SI सिस्टम में, SI सिस्टम यही मेन है, इसमें टेम्परेचर को किस में नापते हैं? केल्विन में, ये मेन स्केल है। तो आपको हर न्यूमेरिकल जब भी करना पड़ता है तो केल्विन कन्वर्ट करके ही करना है, कोई भी न्यूमेरिकल, मेन स्केल आपका केल्विन है, ठीक है। अब आपने और भी पढ़े टेम्परेचर को मीजर करने का, आपका डिग्री सेंटीग्रेड भी है, सेल्सियस भी है, सेल्सियस भी है, सुना होगा सेल्सियस, आपका फ़ारेनहाइट भी है, हम शॉर्ट में F लिख दे रहे हैं, फ़ारेनहाइट का भी स्केल है, आपका एक रैंकाइन भी है, रैंकाइन भी है, ठीक है। तो टेम्परेचर के नापने के लिए आपका एक स्केल है सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक रैंकाइन केल्विन के अलावा, ठीक है। फ़ारेनहाइट तो तुम लोग सुनते ही हो, थर्मामीटर मीटर में तो फ़ारेनहाइट दिया ही रहता है, और सेल्सियस
डिग्री सेंटीग्रेड यूज ही करते हो और केल्विन आप जानते ही हो। अब जरा एक बात कि आपको हम तीन टेम्परेचर केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर के आपका आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के दो टेम्परेचर्स बता रहे हैं। तो देखो, एक है आइस पॉइंट, एक है स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट और आइस, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट। इस आइस पॉइंट क्या होता है सेल्सियस में याद है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री। ठीक है, अब आप आ जाइए, ये तो आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट का हो गया। अगर इसे केल्विन में करोगे तो इसमें 273 जोड़ दीजिए, 273 केल्विन, और ये क्या होगा 373 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन और 373 केल्विन। अगर यही फ़ारेनहाइट का हो गया तो हम फ़ारेनहाइट तक याद कराएंगे, तो ये हो गया सेल्सियस का, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका केल्विन का, और ये है फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट होगा, ये याद रखिएगा, और स्टीम पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, रैंकाइन का बता देंगे तो याद ज़्यादा करना पड़ेगा, तो रैंकाइन का हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आइस पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट, ये किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये। ठीक है, अब देखिए, सिक्स नंबर पॉइंट। अब जैसे हम चाहते हैं फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन, फ़ारेनहाइट का पंखा, ये वाला बंद कर दो, आवाज़ जाएगी पंखे में, वो वाला बंद कर दिया, हाँ ये थोड़ा सा धीमे कर देना, थोड़ा सा, ठीक है फिर चल रहे। अब ये देखिए, फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन हम करना चाहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में और फिर केल्विन। फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन पहले डिग्री सेंटीग्रेड में और फिर केल्विन में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड लाना चाहते हैं और केल्विन। तो देखिए फार्मूला ये है, फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू है उससे 32 घटाइए और 5/9 करिए, 5/9 ये लर्न करना पड़ेगा, 5/9 करिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ये कन्वर्जन किससे है, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड का, ये कन्वर्जन का फार्मूला है। ठीक है, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड, अब जरा देखिए कन्वर्जन, कन्वर्जन देखिए कि हम फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन ले जा रहे हैं। जैसे आप आइए आइस पॉइंट को, आइस पॉइंट को ले जा रहे हैं, आइस पॉइंट कितना है 32 फ़ारेनहाइट, उससे घटाया 32, 5/9, तो ये कितना आया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्ट करना है केल्विन में, 273 जोड़ दिया, 273 केल्विन। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में किया, डिग्री सेंटीग्रेड से आपने केल्विन में किया। अब आइए एक बार और रिवाइज कर दें, देखिए ये यूनिट थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ यूनिट रेडिएशन की है, अगर सिलेबस कम होता है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम है, आपके पेपर का टाइम टेबल बन जाता है, ये यूनिवर्सिटी का एक कैलेंडर बनता है,
वो कैलेंडर डिसाइड हो गया है, आ गया है। हम ग्रुप में भी एक दिन डाले थे, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, या तुम लोगों पर्सनली भेज देंगे कि 15 अप्रैल से आपके पेपर होंगे, ये डिसाइड हो गया, ठीक है। कि एडमिशन की लास्ट डेट 15 सितंबर है, 15 सितंबर तक एडमिशन हो जाएंगे सबके, और 15 अप्रैल से आपका पेपर होगा। तो आप समझ लीजिए आपके पास इतना टाइम है, उसमें तीनों पेपर पढ़ने हैं, मैथ भी पढ़नी, फिजिक्स भी पूरी पढ़नी है, और आपको स्टडी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। एक आप शेड्यूल बना लीजिए कि आज आपने जितनी पढ़ी फिजिक्स, रात तक हम उतना तैयार कर लेंगे, भले वो आपको आधे घंटे में तैयार हो जाइए उतना पढ़ लीजिए, एक घंटे में तैयार हो जाए उतना पढ़ लीजिए, हम बस इतना कहते हैं। जो हमने पढ़ाया वो उसी दिन आप कोशिश करके या अगले दिन आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, मतलब हमारे साथ पढ़िए। ये ना हो कि पता चला हमने पढ़ाया, आज एक महीने बाद आप उस टॉपिक को पढ़ोगे तो वो सब समझाया हुआ बेकार हो जाता है। तो सभी बच्चे एक रेगुलरिटी बनाएं पढ़ाई की, एक सर्टेन टाइम आप फिजिक्स के लिए निकालें, भले ज़्यादा नहीं कम निकालिए, एक डेढ़ घंटे बहुत है, डेढ़ घंटे में आपको जो पढ़ा रहे हैं सब तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है।